यहाँ थोड़ा रेट ज़्यादा है क्या? अच्छा ये साइड जाओगे ज़्यादा रहेगा, अच्छा ये साइड जाओगे तो कम पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अलो होता है। अंदर नहीं छोड़ते क्या? ओ बॉम्ब टेस्ट साइट किए थे ना, टेस्ट किए थे ना? नहीं जाने देते, वो तो आगे, नहीं जाने देते, वो तो आगे है, बाइक भी नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, रेत है क्या? 5 किलोमीटर अंदर है, उधर जाने नहीं देते। अच्छा अच्छा, वहाँ किसी को जाने नहीं देते, वो सिर्फ दादा ने देखा है, किसी ने गोली आर्मी वाला ने नहीं देखा है दादा ने। आर्मी अफसर को नहीं जाने देते हैं, अपन को सिविलियन है। अच्छा अच्छा, आर्मी के अफसर कोई उधर नहीं है, किसी को नहीं जाने देते। आज भी उधर फौज लगी, आज भी फौज लगी हुई है, आज भी फौज लगी है, उधर अंदर नहीं जाने देते। आसपास कोई चला जाता है ना तो सीधी शूट है। अच्छा अच्छा, सीधा ऑर्डर है उधर। इन्होंने देखे है? इन्होंने देखा है। पास जाके किसने देखा, लेकिन आवाज सुनी थी भाई। ऊपर जाने क्या है, क्या देख रहे हो? खड्डा है। अब उसमें क्या है, बहुत बहुत बड़ा खड्डा है। खड्डा है क्या? टाइम था उस टाइम, किसको पता क्या है, समझते नहीं थे सब, बहुत पहले हुआ है, किसी को पता ही नहीं था, ऊपर के बंदों तक पता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उधर सिविलियन को फौज के अफसर रहता ना, वही स्टेशन हेडक्वार्टर से परमिशन लेके जाना तो जा सकते हैं। अच्छा, उधर किसी को नहीं जाना। ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो जैसलमेर पहुंचने में मुझे देर हो गया था, शाम हो गया था। तो उसके बाद मैंने एक बंदे को पकड़ा और रूम के लिए पूछा था, तो उसने मुझे पैकेज दिया। तो पैकेज में यह है कि वो आज रात को थार डेजर्ट में रुकना है और सुबह वो कैमल राइडिंग वगैरह करना है। तो अभी 40 किलोमीटर है अभी यहाँ से, वो अभी 36 किलोमीटर बाकी है। पूरा डेजर्ट एरिया है, पौर ठंड बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, नाइट वाइट रुकने का? हाँ, वो ऑलरेडी बुक हो गया है। कौन सा कैप है वो? नाम पता नहीं अभी, अभी किसमें कोई वहीं पे, यहाँ पे दो किलोमीटर है अभी। सम सेंटियस में या नाम सम, होगा सम में, सम में, सम तो एक गांव आगे, इस साइड भी गांव है। अब कैंप कहाँ पर है? कैंप का नाम हो तो उधर ही सीधा भेजो, रात को जाके भटकोगे बिना मतलब का कहाँ। नहीं नहीं अभी वो अरे वो सर है ना, ये हमारा सम सर पैसा दे दिया मैंने, यू नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। ये है ना आपको लोकेशन में है ना हमारा, इस साइड बताएगा, पर सम गांव यूज हो गया है। जैसलमेर रॉबिन डेजर्ट सफारी कैंप, रॉबिन। हाँ। हाँ, तो इस साइड में सम है क्या? हाँ। इधर इस साइड थार वाला डेजर्ट। हाँ। अच्छा ठीक है। बाकी आपका जीप सफारी? हाँ वो भी बुक हो गया है। नहीं हुआ है तो सुबह कर लेना। नहीं सुबह ही है वो, अभी नहीं है। अच्छा हाँ जी, नहीं हो रखा है तो ठीक है, अगर करने का हो तो 800 रुपये लगेगा, अंदर आपको 1500 या 2000 रुपये लेंगे आपसे। अच्छा अच्छा, वो सब हो गए, सब बुकिंग हो गया जी। चलो ठीक है, शुक्रिया, जाओ। हाँ जी,
पहाड़ के ऊपर है तो कुछ डर नहीं। हेलो जी सर, आप जो लोकेशन भेजे वहाँ पे गया मैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अरे यार आप मुझे फोन ही नहीं किया, मैंने आपको कॉल किया आपने उठाया ही नहीं। तो गाड़ी पे था भैया मैं। आप कहाँ पे हो अभी? अभी एडवेंचर कैंप बोल के है एक, यहाँ पे हूँ। एडवेंचर से थोड़ा सा आगे आओ। हाँ रोड आगे चलते हो क्या? ये आपके पास क्या है, बाइक है? हाँ 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 हाँ, वो आपका मैं देख रहा हूँ। तुम आओ यहाँ पे, रुका हूँ रोड के ऊपर ही हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर ऑन करना हूँ, देखो। हाँ ठीक है। फिर भी सनराइज नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी अंधेरा है। तो ये है टेंट, टेंट में बहुत ठंड लगता है इसलिए मैंने कॉटेज लिया था। तो कल रात यहाँ पे आने के लिए मुझे 9 बज गया था। तो उसने एक लोकेशन भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे, और जब मैं उस लोकेशन पे पहुँचा तो कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था मुझे, थोड़ा प्लास्टिक वगैरह डंप किए सो थे। तो मैं ज़रा डर गया था कि यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ का कोई रिजॉर्ट नहीं है बोल के। बाद में थोड़ा रोड पे आके, मेन रोड पे आके उसका फ़ोन किया, तो तब उसने बोला है नहीं नहीं सर दूसरी जगह आना है बोल के थोड़ा। तो उसने पिकअप करने के लिए आ गया मुझे। ये रूम है, यहाँ पर सब अच्छा है, पर मगर थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, फ्लश वगैरह कुछ बार काम नहीं करता है, तो सब एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। 7:30-7:45 बज रहा है, तो अभी कैमल राइडिंग के लिए निकलना है, और कैमल राइडिंग के बाद मुझे जाना है लॉगियावाला बॉर्डर और फिर से आना है। देखेंगे क्या होगा अभी। तो अभी टाइम हो गया है 7:50, और यहाँ का अभी टेम्परेचर है 9 डिग्री 9 डिग्री, और रियल फील बता रहा है 6 डिग्री 6 डिग्री का फील है। सनराइज हो चुका है। तो यह सब टेंट, ये सब कॉटेज है। ठीक है चलो चलते हैं रेडी होके फटाफट कैमल राइडिंग के लिए।